फ्रेंड्स, आज के सीनियो में हम यूनिवर्सल रिमोट को एसी के साथ किस तरह से पेयर किया जाता है समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई एसी है और उस एसी का यदि रिमोट काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप इस यूनिवर्सल रिमोट के ज़रिए आपके एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सल रिमोट का हमारा मॉडल नंबर DVMQ988E है, ठीक है। करीब 1000 से ज़्यादा एसी इस यूनिवर्सल रिमोट के ज़रिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए जस्ट आपको इस यूनिवर्सल रिमोट को आपको एसी के साथ पेयर करना होगा। देखिए, डिफरेंट यहाँ पर एसी के मॉडल दिए गए हैं जो कि इस यूनिवर्सल रिमोट के ज़रिए कंट्रोल हो सकता है। साथ में ही आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं जिसके ऊपर उस मॉडल का एसी आपके रिमोट से कनेक्ट होगा, ठीक है। पहले आप चेक कर लीजिए किस एसी के लिए क्या आपको यहाँ पर मॉडल नंबर दिया गया है और यहाँ पर पीछे किस तरह से आपको इंस्टॉलेशन करना होगा, किस तरह से पेयर करना होगा, सेटिंग दी गई है। अभी के लिए हम आपको पेयर करना एकदम आसान तरह से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, इस यूनिवर्सल रिमोट में यहाँ पर देखिए डिस्प्ले दिया गया है, ऑन ऑफ बटन ही है। यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए यह मोड बटन दिया गया है, यह स्विंग के लिए एक बटन दिया गया है, यह कि आपको फ्लैपर अप एंड डाउन के लिए दिया गया है। फ्लैपर अप एंड डाउन किस तरह से होगा यह भी हम समझेंगे। यह कि फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, हॉट एंड कोल्ड, दैट मीन्स जो टेम्परेचर को हॉट या कोल्ड आपको रखना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दो की दी गई है। टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ के लिए दो की आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कूल की एक यहाँ पर की दी गई है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट की सेट और ओके दिया गया है जिसके ज़रिए आपका जो रिमोट है वो सेट होगा, पेयर होगा। किस तरह से पेयर किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ जो एसी वो टोटल लाइन कंपनी का यहाँ पर एसी है। आपके पास जो भी मॉडल का एसी हो आप इसे पेयर कर सकते हैं। सबसे पहले रिमोट में आपको बैटरी डाल लेना है और यहाँ पर एसी को मैन्युअली ऑन करना है, ठीक है। देखिए, अभी एसी को मैन्युअली हमने ऑन किया, ठीक है। रिमोट में आपको सबसे पहले बैटरी डाल लेना है। देखिए, एसी हमारा ऑन हो चुका है। अभी देखिए, पेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपको सेंसर दिया गया है इस रिमोट के अंदर, उसे आपको एसी के इंडोर पर देखिए इस तरह से एकदम सामने रखना है, ठीक है। देखिए, इस तरह से सेंसर को एकदम सामने रखना है। पेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अभी की कंडीशन में हमारा जो रिमोट है वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने पेयर नहीं किया है। देखिए, अभी हम टेम्परेचर को अप डाउन कर रहे हैं तो ये हमारा रिमोट के ज़रिए काम नहीं कर रहे हैं। पेयर करने के लिए सेट की को आपको करीब 3 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही हमने 3 से 5 सेकंड के लिए प्रेस किया, यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर काउंटिंग बढ़ रही है। एक नंबर देखिए, यहाँ पर अभी हमारे पास रिमोट में ब्लिंक हुआ है। जहाँ पर जिस नंबर पर आपको रिमोट में यहाँ पर ब्लिंकिंग आता है वही नंबर इसका रहेगा। अभी देखिए, मैन्युअली हम इसे हल्का सा कम कर लेते हैं क्योंकि हमने नंबर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखिए, अभी मैन्युअली देखिए कितना है। यहाँ पर सेट बटन को अगेन प्रेस करना है। देखिए, सेट बटन को अगेन प्रेस किया, जिस भी नंबर पर रिमोट में ब्लिंकिंग आती है, ठीक है। देखिए, अभी यहाँ पर करीब 17 या 18 नंबर पर ब्लिंकिंग आई है तो इसे हमने ओके कर दिया है। अभी मैन्युअली हम इसे हल्का सा और कम कर लेते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। मैन्युअली देखिए अभी कितना है, यहाँ पर करीब 18 है। 18 पे अभी हमने इसे ओके कर दिया है। अभी देखिए वर्क कर रहा है या नहीं समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जिस भी नंबर पर आपका कट किया ब्लिंकिंग की आवाज़ आएगी वो नंबर सेट हो जाएगा। देखिए, 18 हमने सेट किया है बट 18 पे रिमोट हमारा सेट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैन्युअली इसे हम हल्का सा और कम करते हैं, 17 किया, ठीक है। 17 मैन्युअली किया तो 17 पे हमारा ये रिमोट जो है वो सेट हो चुका है। दैट मीन्स 17 नंबर पर हमारा जो एसी जो रिमोट है वो इस एसी के साथ कनेक्ट हो चुका है, उसे हमने ओके कर दिया है। अभी देखिए, टेम्परेचर को अप एंड डाउन हम इस रिमोट के ज़रिए कर पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, फ्लैपर जो आपके नीचे की तरफ देख रहे हैं, फ्लैपर को अप डाउन यदि आपको करना है तो फ्लैपर को अप डाउन भी आप इस रिमोट के ज़रिए कर सकते हैं। देखिए, फ्लैपर भी अप डाउन हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपने सेट बटन प्रेस किया काउंटिंग स्टार्ट हुआ। काउंटिंग स्टार्ट होने पर जहाँ पर जिस नंबर पर आपको ब्लिंक या कट की हल्की सी आवाज़ आती है रिमोट पर, वही नंबर आपका इस एसी के साथ रिमोट को कनेक्ट करेगा। तो वही नंबर को आपको लाकर ओके बटन को प्रेस कर देना है। यदि हल्का सा नंबर आगे पीछे जाता है तो आप मैन्युअली कम ज़्यादा कर उस नंबर को ओके कर दीजिए। आपका जो रिमोट है वो एसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से यूनिवर्सल रिमोट को एसी के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही।